का सीरियल हटाकर ये क्या दिखा रही है? स्किप द टॉयलेट 20 सालों से दुनिया के सभी शौचालयों पर इनका राज है, मगर इसके खिलाफ कभी कोई सबूत नहीं मिला। इसमें भी कोई राज है, और स्किप डी के खिलाफ जो कोई भी गवाह था वो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब। मौत से आप एक बार बच सकती हैं, मगर स्किप डी से नहीं। देखो स्किप डी कैसे बजाता है लोगों की सीटी। आज रात 10:30 बजे सिर्फ जागो भारत टीवी पर। टिंग टिंग टिंग। ओहो, मुझे तो ये क्या लेना देना, मैं तो खेतों में जाती हूँ। मैं तो भूल गई कि आज तो पिज़्ज़ा पार्टी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी पिज़्ज़ा पसंद है तो जल्दी से लाइक वाले बटन को दबाओ, तभी तो मैं आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अपने हाथों से पिज़्ज़ा खिलाऊंगी। यम यम। और मुझे तो लगता है कि मुन्ना भी सोकर उठ गया होगा। ये जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। और लो, हम दोबारा से आ गए हैं ग्रैनी की एक और धमाकेदार वीडियो लेकर अपने फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेम डेफिनेशन पर। ओहो दोस्तों, ये क्या पिज्जा की इतनी मस्त खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरे मुंह से आ रही है। तो लाओ पिज्जा खिलाओ और मेरी भूख मिटाओ। नाना मुन्ना, पहले जाकर नहाकर आओ, फिर जो हुकुम ग्रैनी। मैं यूं गया और यूं आया, आज तो मैं साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाऊंगा दोस्तों, अभी मजा आएगा ना बीड़ो। हे उड़ी बाबा, ये आवाज कहाँ से आई? मुझको तो कोई दिख ही नहीं रहा, लगता है इस अलमारी में कोई छुपा होगा। हे, यहाँ भी कोई नहीं है। उड़ी बाबा, ये क्या? बाथरूम में से मुंडी निकली। ग्रैनी ग्रैनी। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? ग्रैनी, मैं अभी बाथरूम में गया था, लेकिन वहाँ पर कमोड में से एक मुंडी बाहर आ गई। मुंडी मुंडी, यहाँ की तो सबसे बड़ी हूँ मैं, गुंडी। ओ ग्रैनी, मजाक मत करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपके घर के कमोड में से निकली एक बहुत डरावनी मुंडी। आ जाओ जल्दी से, मैं आपको दिखाता हूँ। जल्दी से मेरे पीछे आओ ग्रैनी, बिल्कुल भी घबराना नहीं। देखो ये रही है, अभी तो यहीं पर थी, लेकिन कहाँ गई ये मुंडी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे पिज़्ज़ा भी खाना है। भागो ग्रैनी, मैंने कहा था ना आपके टॉयलेट में कोई मुंडी निकल आई है, जल्दी जल्दी भागो। उड़ी बाबा मुन्ना, अब मैं क्या करूं, मेरे शौचालय का क्या होगा? ग्रैनी, तुम्हें शौचालय की पड़ी है, यहाँ मेरी हवा टाइट हो रखी है। A few moments later. ग्रैनी, मुझको तो कुछ भी सूझ ही नहीं रहा। ओहो, सूझ तो मुझे भी कुछ नहीं रहा। हाँ, जल्दी से टीवी की मदद लेते हैं, इसी में कुछ आ रहा होगा। क्यों? सच्ची? खा मां कसम। तो दोस्तों, अभी अभी हमें हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है, अगर आपके घर में भी स्किप डी निकला है और खासकर ग्रैनी के घर में निकला है, फिर तो तुम्हारे एल लग गए। अब तुम चाहे घर छोड़कर भाग जाओ, चाहे नाले में बह जाओ, हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। आस्ता ला विस्ता। क्या हमारे स्टूडियो में भी स्किप डी निकला है? जान बचा कर भागो। ओ ग्रैनी, अब हम क्या करें? ओ ग्रैनी, अब तो ये स्किपडी हमारे पास ही आ रहा है, तुम अपना देख लो, मैं तो जान बचा कर भाग रहा हूँ। हाँ, जल्दी से इसी टेबल के नीचे छुप जाता हूँ, अब तो लगता है स्किपडी मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। ओ ग्रैनी, ये क्या? ओहो दोस्तों, उसको तो मेरी लोकेशन पता है, जल्दी से जान बचा कर भागो। ओ तेरी की, ये ग्रैनी ने तो प्ले हाउस पर ताला लगा रखा है, अब मैं कहाँ छुपू कहाँ छुपू। हाँ, इस कैबिन में जाकर छुप जाता हूँ, अब यहीं पर मैं बच पाऊंगा। ओ शिट ग्रैनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे ये जगह मेरी है, जल्दी से निकल जा यहाँ से, यहाँ पर मैं रहूंगी पूरी जिंदगी, स्किपडी यहाँ पर नहीं आ सकता। अरे ग्रैनी, थोड़ी जगह मेरी भी बना लो, क्योंकि अब मैं भी यहीं पर तुम्हारे साथ छुप कर रहूंगा हमेशा के लिए। ना ना मुन्ना ना, ये जगह मेरी है और मेरी रहेगी, तू जल्दी से खिसक यहाँ से।
अरे ग्रैनी, हम यहाँ पर छुप कर तो हमेशा नहीं रह सकते, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उस किबड़ी की वाट लगा दे, क्या कहती हो? हाँ, सही आइडिया, मुन्ना, क्या आइडिया दिया तूने मुझे? और अब ये देख मेरा जलवा, अब उस किबड़ी को भी पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। वाह ग्रैनी वाह, तुम तो बड़ी तेज हो रही हो। देखो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। उड़ी बाबा ग्रैनी, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ और इसने तुम्हारे सारे ट्रैप भी खा लिए। तुम्हारा प्लान तो फुस हो गया, मैं तो चला। अरे मेरे लिए तो रुको। ना ना ग्रैनी, मैं नहीं रुकने वाला, तुम अपना खुद देख लो। ओ गाइस, अब मैं क्या करूं, जहां भी जाता हूं ये स्किपडी वहीं पहुंच जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको स्किपडी से डर लगता है या नहीं। अगर लगता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखो, और अगर डर नहीं लगता तो नो लिखो। और चलो, अब मैंने स्किपडी की पुंगी बजाने का एक और रास्ता भी खोज लिया है। आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा रास्ता है? जी देखो, ये है ग्रैनी का सीक्रेट स्टोर रूम, और यहाँ पर ग्रैनी ने भयंकर गर्मी से बचने के लिए इतने सारे फ्रीज ट्रैप को छुपा के रखा है। और दोस्तों, जब तक मैं इन सभी फ्रीज ट्रैप को अच्छे से ठिकाने लगाता हूँ, और अगर आपने अभी तक आंसर भी नहीं बताया है तो जल्दी से आप जाकर कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। और देखो गाइस, ये मैंने इतनी मेहनत करके सभी फ्रीज ट्रैप्स को रास्ते में बिछा दिया है। अब जैसे ही स्किपडी यहाँ आएगा, अरे आएगा क्या, देखो वो तो आ ही गया। मगर ये क्या, स्किपडी को तो फ्रीज ट्रैप से कुछ भी नहीं हुआ, अब तो जान बचा कर भागो। लेकिन ये ग्रैनी कहाँ है? अरे गेम डेफिनेशन के बच्चे, इधर इधर, देखा मेरे बिना तुझसे कोई काम भी ढंग से नहीं होता। तेरा प्लान तो फुस हो गया, इसलिए अगला प्लान मैं बनाऊंगी। हाँ जल्दी बताओ ग्रैनी। अरे वाह ग्रैनी, मैंने तो तुम्हें नल्ली समझा था, मगर तुम तो एकदम खलबली हो। टाइम बर्बाद मत कर और जल्दी से जाकर काम कर। ओके ग्रैनी, तो चलो गाइस, अब हम जल्दी से ग्रैनी का दिया हुआ काम पूरा करते हैं। और लो, हमको तो मिल गया गन का पहला पार्ट। तो अब मैं फ्लैश की स्पीड से दौड़ता हुआ पूरी गन का जुगाड़ कर लेता हूँ। और देखो गाइस, ये रहा गन का आखिरी हिस्सा। ये लो गाइस, हमारी गन तो पूरी तैयार हो गई, और मुझको लगता है कि अब ग्रैनी का भी काम पूरा हो गया होगा। कहाँ हो ग्रैनी? अरे मुन्ना ऊपर देख, ऊपर। ओहो ग्रैनी, ऊपर क्या कर रही हो? ओहो मुन्ना, जा टॉयलेट के अंदर जाकर देख। क्यों ग्रैनी, अंदर स्किपडी है क्या? नहीं स्किपडी नहीं है, तू देख तो जरा। ओके अभी देखता हूँ। ये क्यों ग्रैनी, इतना सारा गैसोलीन, इसका हम क्या करेंगे? पकोड़े बनाकर खाएंगे क्या? अरे पागल वागल हो गया है क्या? इसके पकोड़े नहीं, इसके तो हम पूरे के पूरे शौचालय को ही उड़ा देंगे। ना बचेगा शौचालय, ना बचेगा स्किपडी। वाह ग्रैनी वाह, प्लान तो एकदम धस हुआ है। तो चलो दोस्तों, मैं जल्दी से इस सभी गैसोलीन को उठाकर सही जगह पर लगा देता हूँ। बिल्कुल, आज तो स्किपडी के टॉयलेट के ऊपर नीचे अंदर बाहर चारों तरफ से सजा दूंगा। आज तो ऐसा धमाका होगा कि स्किपडी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज तक वो सभी बच्चों को बहुत परेशान कर चुका है, लेकिन आज उसने हमसे पंगा लिया है, तो इसलिए आज हम उसको बिल्कुल नंगा ही कर देंगे। ये लो गाइस, मैंने स्किपडी द टॉयलेट को पूरा अच्छे तरीके से बिल्कुल सजा दिया है। अब तो स्किपडी की वाट लगकर ही रहेगी, क्या कहती हो ग्रैनी? अरे हाँ मुन्ना, तूने बिल्कुल अच्छा सजाया है, चल अब जल्दी से इसका उद्घाटन भी कर दे। हाँ हाँ सही कह रही हो ग्रैनी, तो जल्दी से अपने कानों को बंद कर लो। 3, 2, 1। हाँ ग्रैनी, मुझको भी यही लगता है, इतने ज्यादा बड़े धमाके के बाद तो स्किपडी क्या, कोई भी नहीं बच सकता। वाह ग्रैनी, अब तो हमने स्किपडी को अपने घर से भगा दिया। अपने का क्या मतलब, ये मेरा घर है और तू निकल यहाँ से।
अरे गाइस, ये ग्रैनी तो सटिया कर मेरे पीछे ही लग गई है, और अगर ये ग्रैनी कभी आपके पीछे भी लग जाए तो मैंने खास आपको ग्रैनी के डंडे से बचाने के लिए ये मस्त सीक्रेट ट्रिक की वीडियो बना दी है, तो जल्दी से इस पे क्लिक करके देखो और मजा लो।